नमस्कार दोस्तों, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 440 ले लें या आपका हिमालयन लें, या भैया कंपनी ने ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X निकाली है जो कि पूरी तरह से एडवेंचर बाइक है जिस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और एडवेंचर बाइक के साथ साथ मैं आपको इस बाइक के बारे में एक वर्ड बोल रहा हूँ, प्रीमियम बाइक। आप ध्यान से देखें इस बाइक के बारे में, एक एक चीज़ कंपनी ने ऐसे तराश कर लगाई है ना, आप कमी निकाल ही नहीं सकते कंपनी में। मैं बहुत देर से इस बाइक के बारे में देख रहा था यार, कोई तो कमी निकले। आप छोटा सा एग्जांपल देखो, चाबी का एग्जांपल होता है ये, देखो की जो होती है, की बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जिसके ऊपर ट्रम्प लिखा हुआ है वो देखने को मिल जाती है। नीचे बढ़े आओ, हर तरह का आपको यूएसबी टाइप का चार्जर देखने को मिलेगा, इसमें सी टाइप का है, यानी कि हर एक चीज प्रीमियम दी है इस बाइक के बारे में। तो इस बाइक के बारे में हम पूरी इस वीडियो में बातें करेंगे कि आपको ये कैसे बेहतर हो जाती है और कंपनी से अगर आप इसमें आएंगे, आपको इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या देखने को मिलेगी। अगर आप, मैं छोटी सी बात बोलूँगा फ्रेंड्स आप लोगों से, कि अगर आपने इस बाइक को ले लिया तो आप और लोगों से कैसे कहोगे कि ये बाइक मेरी बिल्कुल अलग है। क्यों? देखो, सब बाइक्स में डिस्क ब्रेक जो होते हैं वो इस साइड में होते हैं भाई साहब, इस साइड में, और जो ट्रेन ड्राइव चेन ड्राइव होती है वो उस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में चेन ड्राइव होती है और राइट साइड में डिस्क ब्रेक की जो पैडल्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन इस बाइक में पूरी तरह से उल्टा है। और एक खास बात बता दूं, खासियत जानते रहो, इसके अंदर अंडरवैली देखने को मिलता है एग्जॉस्ट, ये देखो यहां से आया धुआं, यहां वाली पूरी तरह से बॉक्स में आया फिर निकला साइलेंसर के अंदर, ये चीज देखने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है, लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। आज ही खूबियां गिनाते रहूंगा तो मेरा मुंह थक जाएगा और वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके शोरूम प्राइस से। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये ट्रम्प का शोरूम है अलीगढ़ में, अब खुल चुका है ट्रम्प का शोरूम, बन्ना देवी के जस्ट सामने है, शिवा बजाज के ऊपर सेकंड फ्लोर पर देखने को मिलेगा। तो अब ट्रम्प की बाइक्स इस समय यहां पर अवेलेबल हैं, तो हम आज इस वीडियो में ट्रम्प स्क्रैम्बलर 400X के बारे में पूरी तरह से बातें करेंगे। तो इसका एक्शोरूम प्राइस जान लो। तो दोस्तों, इसका एक्शोरूम प्राइस हो जाता है 264,496 रुपीज का, यानी कि 264,496 रुपए का इसका एक्शोरूम प्राइस हो जाता है। कंपनी आपसे इतना पैसा ले रही है तो आखिर क्या क्या ऑफर कर रही है? तो सबसे पहले हम इसकी की और मीटर कंसोल की तरफ रुख कर लेते हैं। पूरी तरह से डिजिटल मीटर कंसोल और एनालॉग में मीटर कंसोल देखने को मिलता है। की देख लो, वेव की देखने को मिलती है और एक स्टाइलिश की, प्रीमियम की देखने को मिलती है, ये देखो है ना प्रीमियम। इसको लगाकर दिखाता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया मीटर कंसोल, ये मैंने जूम कर दिया डिजिटल और मीटर और एनालॉग में। ये आपका इंजन पावर कट वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, टाइमिंग देखने को मिल जाती है, ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, और गियर इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, और आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, ये स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। चूंकि ये गाड़ी लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है तो लिक्विड कूल वाला भी इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, चेक इंजन का, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का देखने को मिल जाता है, और वार्निंग लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपकी गाड़ी को टच कर रहे हैं तो हल्की सी ब्लिंक करती है एक लाइट, मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पर करती है। देखिए देखो, यहाँ पर बजर टाइप का बन के आएगा, देखो ये आया सारा, और इंजन कूल वाला भी इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। सपोज करो आपका इंजन ज़्यादा गर्म हो गया बाइक का, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल का देखने को मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, 180 तक की स्पीड देखने को मिल जाती है। अजी एक खासियत और बताऊँ, इस बाइक को कंटिन्यू आप स्टार्ट करो और 380 किलोमीटर यानी कि लगभग 400 किलोमीटर तक कंटिन्यू भगा लो, भाई साहब इसका इंजन गर्म नहीं होता, जैसे हीट कर जाता है ना, क्योंकि लिक्विड कूल इसके अंदर इंजन देखने को मिल जाता है, पावरफुल 400 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, और आपको 40 पीएस की पावर और 37.5 एनएम का टॉर्क 6,500 आरपीएम पे इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, और 6 गियर बॉक्स के अंदर गाड़ी देखने को मिलती है, यानी कि आपको सिंगल लीवर में गियर देखने को मिलेगा, 6 गियर 1 डाउन 5 अप, ये फोल्डेबल फुटरेस्ट का लुक देखो कितना कर्रा देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर, ये फोल्डेबल, एक कट कट की आवाज़ सुनो, आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, कटिंग वाली सीट देखने को मिल जाती है स्प्लिट में, ये राइडर के लिए काफ़ी चौड़ी सीट देखने को मिल जाती है, प्लेन के लिए स्प्लिट में ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, और 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और माइलेज की बात करूं तो भाई साहब पावरफुल गाड़ी है, 400 सीसी में देखने को मिलती है, तो माइलेज की उम्मीद आप 30 तक की तो कर सकते हो इस गाड़ी से। और ये आपको थाई पैड देखने को मिल जाते हैं और आपकी ग्रीनिश कलर में देखने को मिल जाती है, और ये ट्रम का लोगो देखने को मिल जाता है, E20
की सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। कुछ इस टाइप से इसका जो फ्यूल लिड है इस टाइप का क्रोम का देखने को मिल जाता है, फ्यूल लिड के ऊपर भी कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात करूँ इसके हैंडल बार में आपको इंजन किल स्विच और रेस स्विच, हजार्ड का ऑप्शन, सेल्फ, हाई बीम लो बीम, इंटरमीटर कंसोल को ऑपरेट करने का बटन, ये इंडिकेटर और हॉर्न सिंगल देखने को मिल जाता है और हाई बीम लो बीम पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात करूं, देखो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है और यहाँ पर स्लीपर क्लच जो है क्लच को आपको ढकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्टर यानी कि आपके हैंड को, क्योंकि टूर बाइक है और आपके हैंड की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भी एक थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया ताकि आपके हैंड पे कोई नुकसान ना हो पाए। मिरर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ट्रम का लोगो देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा गद्दी टाइप का इस गद्दी का क्या यूज़ होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आप लोग, राइट। वहीं मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं तो गाड़ी में पीछे बैक में आपको एलईडी में बैक लाइट और एलईडी में इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स की खासियत बताऊं, ये देखो हजार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हजार्ड ऑप्शन, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे, एलईडी में फ्लेक्सिबल नहीं है। वहीं इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर हेडलाइट आपको एलईडी में देखने को मिलेगी, हेडलाइट के ऊपर आपको ये जाली टाइप की देखने को मिलेगी, वही एडवेंचर लुक देखने को मिल जाता है। वहीं मैं अगर मैं हेडलाइट को जलाकर दिखाऊं, ये पूरी तरह से एलईडी में हेडलाइट, यहाँ नंबर प्लेट लगेगी और मीटर कंसोल तो मैंने आपको बता दिया। सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे आपको टेलीस्कोपिक तो देखने को नहीं मिलेंगे, यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन 43mm के देखने को मिलेंगे जो कि जो काफ़ी चौड़े काफ़ी अच्छे सस्पेंशन इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे और सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छी हो जाता है। पीछे आपको वही मोनोशॉक सस्पेंशन, ये देखो दिख गए आपको, ये मतलब सस्पेंशन के मामले में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर टायर की बात करूँ तो भाई कहने की बात नहीं, आप देखो कितना चौड़ा, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा इतना चौड़ा टायर देखने को मिलता है, MRF का टायर यूज़ हुआ है। वहीं टायर की साइज़ की बात करूँ तो पीछे वाला 140x80 17 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलता है और आगे वाला टायर 100x90 19 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स में, अलॉय व्हील्स का जो पैटर्न है एक बार पास से देख लो, काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये आ जाता है लिक्विड कूल की रेडिएटर, तो यानी कि आपके इंजन को ठंडा, आपके इंजन के नहीं को नहीं, आपके बाइक के इंजन को ठंडा करेगा क्योंकि लिक्विड कूल में इसका इंजन देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की बात करूं तो यहां पर आपको 320mm के बाइवरी के बड़े डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग के मामले में भी अच्छी रहती है, डुअल चैनल ABS में ये गाड़ी है। पीछे का 230mm का बाइवरी का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ये देख लो। और वहीं गियर पैटर्न की बात करूं तो आपको यहां पर 6 गियर गाड़ी में देखने को मिलेंगे, राइट। ये इंजन है, इंजन के ऊपर ट्रम का लोगो देखने को मिल जाएगा। वहीं गार्ड की बात करूं तो इंजन गार्ड आपको मेटल में एक अच्छी क्वालिटी का इंजन गार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि डस्ट वगैरह ना जाए, ये क्रैश गार्ड है, पावरफुल इंजन है। इंजन के ऊपर डायमंड कटिंग का ये थोड़ा पैटर्न देखने को मिल जाता है ताकि यूनिक इंजन को बना सके। वहीं अगर मैं गाड़ी की कर्व वेट की बात करूं तो गाड़ी का जो कर्व वेट है 185 kg की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। सीट हाइट जो है वो 835mm की देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रम बाइक्स में ले आना चाहते हो तो जो एडवेंचर टाइप है जिनकी हाइट ज़्यादा है 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 11 इंच या 6 फीट के लोग, उनके लिए गाड़ी बेहतर हो जाती है। जिनकी हाइट 5.5 फीट है या 5 फीट 6 इंच है तो उनके लिए वो ट्रम की ना स्पीड खड़ी हुई है ना वो बेस्ट हो जाती है। ये भी गाड़ी बेस्ट है वो भी, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए गाड़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। कहने का मतलब अब एक निचोड़ हो जाता है वीडियो का कि अगर आप रॉयल एनफील्ड की या आप आपकी जो अभी जो निकली ना हिमालयन वो लोगे या ये लोगे, तो इस तरह से मैंने देखा क्वालिटी है गाड़ी की, हर एक पार्ट में एक प्रीमियम नेस है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दिया है, अप्रॉक्स ये गाड़ी जो आप ऑन रोड आते आते आपको पड़ेगी 3,20,000 नियर अबाउट पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है, इस शोरूम का एड्रेस भी है, तो या तो आप कॉल करके इसका ऑन रोड प्राइस या उस वाली बाइक का ऑन रोड प्राइस जान सकते हो। तो सारा कुछ मैंने मोस्टली इस वीडियो में बता दिया, क्या रह गया है इसकी एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 8 इंच है। अब ये देख लेते हैं इस गाड़ी पे मैं किस हिसाब से बैठता हूँ। ये देखो मेरे पैर ऐसे आ रहे हैं ज़मीन पर, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी गाड़ी की एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने साइड स्टैंड हटा दिया और चाबी ऑन करी और ये सुनो आप ध्यान से, तो ये थी एग्जॉस्ट नोट। तो ये थी बाइक ट्रम की, आपकी स्क्रैम्बलर 400X बाइक के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, और कोई क्वेरी है कोई डाउट है कमेंट मी, हर कमेंट का मैं आंसर देता हूँ।
लाइक कर दो वीडियो। तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।